तो छात्र संघ चुनाव का घमासान जारी है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। कैंपस में वोटर से मनुहार कर रहे हैं प्रत्याशी, मतदान से पहले उनसे मनुहार कर रहे हैं ताकि उनके पक्ष में वोटर वोट करे। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होगी। 15 विश्वविद्यालयों और 452 कॉलेजों में मतदान हो रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुल 20,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रदेश में करीब 6 लाख स्टूडेंट्स मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कितनी बार हुआ है कि जब अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने हो जाते हैं, कई बार पुलिस से भी झड़प यहाँ पर देखने को मिली, लाठीचार्ज तक हुए थे। और आज का वो दिन है जिसके लिए ये सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे थे और आज लगातार मनुहार जारी है। और कोशिश इन सभी की यही है कि सुबह सुबह से ही जितने ज्यादा वोट अपने पक्ष में ये डलवा सके, और इसीलिए सुबह से ही जब मतदान शुरू हुआ तो इसके बाद मनुहार का दौर भी चलता रहा। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग यहां पर होनी है, कल परिणाम आने हैं। लेकिन छात्र संघ के चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण। और चले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से हमारे साथ राजीव गौड़ है, वहीं महाराजा कॉलेज जयपुर से काशीराम चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले काशी आपका रुख करना चाहेंगे, महाराजा कॉलेज में अभी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है क्योंकि वोटिंग का दौर जारी है। जी श्रोता, बिल्कुल, देखिए छात्रों के लोकतंत्र का उत्सव है और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र आज पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, जिससे कि वो अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। और महाराजा कॉलेज की हम खासतौर पर बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में है, महासचिव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में, और इसके अलावा जो उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए उनके लिए भी 2-2 प्रत्याशी यहाँ पर मतदान अपने वोटिंग के लिए हैं। और देखिए वोटिंग के लिए यहाँ पर लाइन लग रही है। आप मेन अगर एंट्री गेट को देखेंगे, महाराजा कॉलेज का जो मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर प्रत्येक छात्र की चेकिंग जारी है, उनका आईडी कार्ड जांचा जा रहा है, उनसे उनकी स्ट्रीम के बारे में पूछा जा रहा है और ये भी पूछा जा रहा है कि वो यहाँ के वास्तव में स्टूडेंट है नहीं। पूरी चेकिंग के बाद ही उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि कोई फर्जी छात्र मतदान ना कर सके, उस सबको प्रक्रिया को यहाँ पर देखा जा रहा है। और 1616 कुल हैं छात्र जिनके पास ये आईडी कार्ड है, वो अपने वोटिंग राइट का आज प्रयोग करने जा रहे हैं। कुल 2108 छात्र थे जिनको वोट देने थे, लेकिन इनमें से आईडी कार्ड ही कम छात्रों ने लिए, तो इस वजह से वोटिंग करने वाले छात्रों की संख्या भी कम रही है। यहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं डॉक्टर एस एन डोलिया जी, उनसे एक बार जुड़ेंगे। सर, किस तरह से मतदान जारी है? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने के बाद कि बच्चे के पास कोई मोबाइल नहीं है और उसका आईडी कार्ड सही है, अगर हमें डाउट होता है तो उसका आधार भी चेक करते हैं, उससे इतने सवाल पूछ के पूरा सुनिश्चित करने के बाद ही उसको भेजा जाता है। और लगभग 10 चेकिंग पॉइंट बने हुए हैं जहां पर पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही उसको आगे बूथ पर भेजा जा रहा है। तो बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है सर मतदान? शांतिपूर्ण पूर्वक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है और उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक चलेगा। तो अभी तक की श्वेता अगर हम बात करें तो करीब 10% वोटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। 2128 जो छात्र हैं जिनको की वोटिंग करनी है, उनमें से जैसा कि